तो गाइस फाइनली ये देखिए अंडा बन चुका है, तो अपन लोग खा लेते हैं झकाझक। खाबो नहीं दूसरा टूरा आही कई जन चिन्हार तक खा दे। क्योंकि काफी दिनों से ये मशीन भी ऐसे ही पड़ा है, मतलब सिलाई भी बंद था। कहां पास फटा है दिखाओ मेरे को, यहां पास क्यों फटता है? हेलो दोस्तों, नर्मदेहा, स्वागत है आपका रोहित बाबू सोनवानी ब्लॉग में। तो भैया कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और मस्त होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लास्ट में पूरा देखने के बाद, ओके। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज चैनल को तो अभी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फिर हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी आया हूँ फिलहाल मैं अपने खेत में, ये देखिए ये है धान हमारा, हाँ है ना। तो यहाँ भैया किसी का बैला है इधर पार गई ने पूरा धान ला तो खादा रहे ही ना बेच ले, ये देखिए है ना। मतलब इनको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो पूरा धान की तो वाट लगा देंगे गाइस, ये देखिए है ना। तो इनको थोड़ा सा भगा देता हूँ मैं। तो गाइस अभी आया हूँ मैं इधर बैलन ला चरा चराते इधर, तो यदि जाम है तो जाम को बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं गाइस। तो चले फटाफट थोड़ा जाम तोड़ लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पक्का हुआ है जाम। तो गाइस ये देखिए ये है जाम। तो गाइस फाइनली मतलब मैं जामुन खा चुका हूँ, जाम बड़े बड़े एकदम कच्चा कच्चा नहीं पक्का पक्का खाया हूँ और एकदम काला काला हो गए हैं, पकने के बाद काला ही हो जाते हैं जामुन गाइस। तो फाइनली मैं जामुन खा के अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि टाइम हो गया है 12 बज रहे, बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा है, तो इतना ज़्यादा धूप की अब हद से भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए मेरे को तो घर तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस अपन लोग अब मैं जा ही रहा हूँ घर, और घर में जाके नहाएंगे धोएंगे उसके बाद फिर से आएंगे, क्योंकि बैलन ला अभी यही धार छोड़ दिया हूँ, अभी भर्रा मचारत हैं तो फिर मैं अभी जाता हूँ घर, है ना। तो अभी जाके घर में नहाऊंगा धोऊंगा खाना पीना ला खाऊंगा, फिर अब महद जियान बताएं फिर दूसरा काम बताएं, तो दूसरा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बोल रहे थे कि थोड़ा दमहेड़ी जाओ, हमारी छोटी वाली गुड़िया जो है ना सोमिया, उसका जन्म प्रमाण पत्र में थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसको थोड़ा सा सुधरवाना भी ज़रूरी है। तो शायद मेरे को भेज सकते हैं, क्लियर नहीं है, और यदि भेजेंगे तो जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो अभी घर जाए तब तो मालूम पड़ेगा। तो चलिए फटाफट घर चलते हैं। तो गाइस अभी ये लड़का आया है मेरे पास सिलवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मशीन भी ऐसे ही पड़ा है, मतलब सिलाई भी बंद था। कहाँ पास फटा है दिखाओ मेरे को, यहाँ पास क्यों फटता है? गाड़ी में बैठाई किया है। चलिए ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए फिर मैं अभी सीलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं एकदम नहा धो के फुल एकदम रेडी मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर, और मैं आज कहीं जाने वाला हूँ वो आप लोगों को आगे मालूम पड़ेगा, और आपको वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहना है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल निकला हूँ घर से बाहर एकदम फुल रेडी होके, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ, अभी फिलहाल रास्ते में ही हूँ, ये देखिए ये है रास्ता। तो अभी थोड़ी देर के बाद बस स्टैंड पहुँचूंगा मैं, अभी ये वाला कच्ची रास्ता से मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ से। और तो गाइस ये देखिए मैं बहुत जल्दी फटाफट चल रहा हूँ भाई, मतलब टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा तेज चलना पड़ रहा मेरे को, और अभी पता नहीं इधर गाड़ी मिलती है कि नहीं यार। फिलहाल देख पा रहे होंगे पीछे रोड में आ चुका हूँ मैं, है ना, डामिल रोड, जो हमारे गाँव से बाइक आई गाड़ी वाड़ी जो कुछ भी जाते हैं मेन रोड है, हमारे गाँव के अंदर जाने का रास्ता जो है इसी रास्ता में आ चुका हूँ, और फिर बहुत जल्द मैं मेन रास्ता में जाने वाला हूँ अमरकंटक रोड में, ठीक है। तो फिर वहाँ से जा कर गाड़ी पकड़ेंगे और फिर जाएंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू और चलते हैं आगे की ही ओर। सब्जी भाजी ले लिए हैं, ये सब्जी भाजी काफी टाइम हो गया, अंधेरा भी हो गया है, और यहाँ पर अंडा वंडा खाएंगे और उसके बाद अंडा खाने के बाद भागेंगे। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं रोहित बाबू सोनवानी ब्लॉग।
से ज्यादा तो मजाता भी है। चलिए फिर थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं नाश्ता, क्योंकि पूरा मार्केट कर लिए हैं, कुछ खाए पिए नहीं है और काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है, तो जल्दी भागना पड़ेगा। तो चलिए फिर खा लेते हैं उसके बाद। तो गाइस फाइनली ये देखिए अंडा बन चुका है, तो अपन लोग खा लेते हैं, झकाझक खाबो नहीं दूसरा टूरा आ ही कई जन चिन्हार तखादार ही। देखिए खा लिए हम, देखिए मिर्च ज्यादा लग गया, हम पान पी लेते हैं। मतलब मैं मार्केट से गांव पहुंच गया हूं और बहुत जल्द घर पहुंचेंगे, क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती यार हम लोगों को जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। तो घर से भी फोन आ गया था भैया, तो घर में भी इधर इधर अलकर ढार भग जात हूँ। तो गाइस चलिए थोड़ा सा फिर वेट कीजिए, अपन लोग घर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली घर से फिर से बाहर जा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं अभी बेटू के लिए मिठाई आज ले नहीं पाया, भूल गया भैया, जल्दी जल्दी में गाड़ी घोड़ा मिलता नहीं उसके चक्कर में थोड़ा जल्दीबाजी में। तो अब फिर से मैं दुकान जा रहा हूँ और वहाँ से मिठाई लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बच्ची बहुत रो रही है। इसके लिए मैं फिर से घर से वापस निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ। ये देखिए हाथ मेरे कुछ नहीं है, मतलब सामान को घर में रख दिया हूँ, तो जाता हूँ अभी दुकान और वहाँ से लेके आऊँगा मिठाई। तो चलिए फटाक से चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो भैया ये हो गया बेटू के लिए, एक 5 रुपए का है पार्ले जी एंड नमकीन। तो चलिए फिर चलते हैं लेके घर। तो गाइस बिट्टू सो गई है, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई है, मार्केट से आने मेरे को आज ज्यादा ही लेट हो गया था। इसके लिए अभी जब आए थे मार्केट से तो बच्ची रो रही थी, इसके लिए मैं दोबारा दुकान गया था, तो दुकान से मिठाई लेके आया, तो तब तक बिट्टू सो गई है। तो हो गया कोई बात नहीं, उसको सवेरे देंगे मिठाई, ठीक ना। और बाकी आज का वीडियो करेंगे यहीं पर ख़त्म, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।